प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी सभा में कांग्रेस और एनसीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। कांग्रेस ने देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने की कोशिश की। हिंदू कभी आतंकवाद करे, क्या इतिहास में कोई ऐसी घटना भी हुई है? भारतीय सेना को योगी आदित्यनाथ ने बताया मोदी जी की सेना। विपक्ष ने कहा यह आर्मी का अपमान है। एक रैली के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के क्रम में कांग्रेस से तुलना करने के चक्कर में सेना को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। सीएम योगी ने भारतीय सेना के लिए मोदी जी की सेना का शब्द इस्तेमाल किया है, जिसे लेकर विपक्ष ने सेना का अपमान बताया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली के पास के गाजियाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कांग्रेस के लोग के साथ विपरीत शब्द के संदर्भ में उन्होंने बार बार मोदी जी की सेना शब्द का इस्तेमाल किया था। चुनाव से पहले राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, सत्ता में आए तो जीडीपी का 6% धन शिक्षा पर खर्च करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा हमारी सरकार आने पर जीडीपी का 6% पैसा हम शिक्षा में लगाएंगे, नए कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्कॉलरशिप देंगे, नए अस्पताल देंगे, नफरत मिटाकर देश को जोड़ने का काम करेंगे। पीएम मोदी ने शरद पवार पर लगाया वंशवाद की राजनीति का आरोप, कहा अपने भतीजे के हाथों हिट विकेट हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम मोदी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर जमकर हमला बोला। कहा कि उनके झूठ, उनके वायदे की पोल खुल चुकी है, वे खुद भतीजे के हाथों हिट विकेट हो चुके हैं। खुद एक किसान होने के बावजूद शरद पवार किसानों को भूल गए, ये दुखदाई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फेसबुक ने 687 पेजों को रिमूव कर दिया, ज्यादातर पेज कांग्रेस के हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोगों की सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट से प्रभावित होने से बचाने के लिए फेसबुक ने बड़ा कदम उठाया है। ऐसे 687 पेजों को रिमूव कर दिया गया है जिन पर लोगों की सोच को प्रभावित करने का शक, या फेसबुक के अनुसार इन सभी पेज या अकाउंट पर लोगों को प्रभावित करने जैसे कंटेंट पोस्ट किए जा रहे थे। सपना चौधरी के गाने पर आईपीएस अधिकारी ने जमकर किया डांस। जब कभी भी सपना चौधरी का मशहूर सॉन्ग तेरी आँखियाँ का ये काजल सॉन्ग बजता है तो वहाँ मौजूद लोग नाचने के लिए मजबूर हो उठते हैं। कुछ ऐसा ही दिल्ली के महिला पुलिस के कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। 30 मार्च शनिवार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक अलग ही नज़ारा देखने लायक था। ऑल वुमेन संपर्क सभा के तहत आयोजित सुनो सहेली कार्यक्रम में मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने स्टेज पर जमकर नाचा। 1 अप्रैल से महंगी हो गई रसोई गैस, विमान ईंधन के भी दाम बढ़ चुके हैं। विमान ईंधन के भाव में सोमवार को 1% की वृद्धि की गई। वैश्विक स्तर पर कीमतों की वृद्धि के बाद लगातार दूसरे महीने विमान ईंधन महंगा हुआ है। दिल्ली में ATF की दर 1.07% या 677.1 रुपये प्रति किलोलीटर की वृद्धि की गई है। नई दर बढ़ाकर 73,472.22 रुपये प्रति किलोलीटर की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर तंज कसते हुए कहा कि यू टर्न बाबू की स्थिति बाहुबली फिल्म के भल्लाल देव जैसी है। पीएम मोदी ने कहा कि अंधा की हेरिटेज है और अपने वायदों का पक्का होना यू टर्न बाबू की हेरिटेज है, विश्वासघात करना। आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी के स्वामित्व वाली एक फ्लैट को कुर्क करने का आदेश जारी किया। आयकर रिकवरी अधिकारी नई दिल्ली द्वारा गिलानी के नाम जारी एक आदेश में कहा गया है कि आकलन अधिकारी ने अधोहस्ताक्षरी को प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजी है, जिसमें 3,62,62,160 रुपये की राशि निर्दिष्ट है। हार्दिक पटेल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता हो गया है बंद। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक और सजा को निलंबित करने की मांग की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी है। रॉबर्ट वाड्रा को 5 लाख रुपए निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत दी है। एक साथ 29 सैटेलाइट लॉन्च हुई, पहली बार 3 अलग अलग कक्षाओं के लिए भेजा गया मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 29 नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च किए। इनमें से भारत का एमीसैट 24, अमेरिका के 2, लिथुआनिया के और एक एक उपग्रह स्पेन और स्विट्जरलैंड के हैं।
पहली बार इसरो का मिशन एक साथ तीन कक्षाओं के लिए भेजा गया। यह लॉन्चिंग सुबह 9:30 बजे PSLV C-45 रॉकेट की मदद से की गई। एमीसैट सैटेलाइट सीमा पर नजर रखने में मददगार साबित होगा। राहुल के खिलाफ वायनाड से एनडीए के उम्मीदवार होंगे BDJS के तुषार वेल्लापल्ली। एनडीए ने तुषार वेल्लापल्ली को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इस सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने रविवार को इसकी घोषणा की थी कि राहुल अमेठी से भी चुनाव मैदान में उतरेंगे और यहां से वह 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। एक खुलासे में पता चला है कि 6 करोड़ की शराब दिल्ली वाले पी जाते हैं हर माह। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स की एक ताज़ा स्टडी में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के लोग हर महीने करीब 6 करोड़ रुपए की शराब पी जाते हैं, यानी करीब 5 लाख लीटर अल्कोहल की बिक्री एक महीने में हो रही है सिर्फ दिल्ली में। स्टडी में कहा गया है कि शराब पीने वाले लोगों की बढ़ती तादाद के चलते एम्स सहित दिल्ली के तमाम अस्पतालों की इमरजेंसी में घायल होकर पहुँचने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शूटिंग के लिए 12वीं की परीक्षा छोड़ी थी, अब श्रेया ने देश के लिए जीते 3 गोल्ड मेडल। श्रेया ने सोमवार को ताइवान में चल रही 12वीं एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल जूनियर वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ गोल्ड मेडल जीता। वे इससे पहले टीम और मिक्स टीम इवेंट में भी देश के लिए गोल्ड जीत चुकी हैं। सीएम ने गिफ्ट में पीएम मोदी को भेजा आईना, लिखा इसमें असली चेहरा पहचानने की कोशिश करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे के तौर पर आईना भेजा है। इसके साथ उन्होंने संदेश लिखा है कि प्रधानमंत्री इसमें अपना असली चेहरा पहचानने का प्रयास करें। तूफान से दक्षिणी नेपाल के बारा और परसा जिले में भयंकर तबाही। हादसों में 35 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना भी बुला ली है। करीब 100 जवान प्रभावित इलाकों में भेजे गए हैं। मारुति की बिक्री मार्च में सालाना आधार पर 1.6% घट गई। मिनी कारों की सेल में 55% कमी हुई है। मारुति सुजुकी की बिक्री में 1.6% घटकर 158,076 यूनिट रह गई। पिछले साल मार्च में कंपनी ने 160,598 कारें बेची थी। केजरीवाल ने कहा कांग्रेस नहीं करेगी आपसे गठबंधन। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उनका पुराना रुख बरकरार दिखा। दिल्ली की 7 सीटों पर क्या कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, इस पर केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कांग्रेस से गठबंधन को लेकर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। शीला दीक्षित इतनी महत्वपूर्ण नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल ने गठबंधन से इनकार कर दिया है। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए 6 और सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। बसपा की ओर से जारी सूची में शाहजहांपुर से अमरचंद्र जौहर, मिश्रिख से नीलू सत्यार्थी, फरुखाबाद से मनोज अग्रवाल, अकबरपुर से निशा चचान, जालौन से पंकज सिंह, हमीरपुर से दिलीप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अजिंक्य रहाणे पर भी लगा स्लो ओवर रेट के कारण 12 लाख रुपए का जुर्माना। राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें जुर्माना इंडिया IPL के 12वें सत्र में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ निर्धारित समय पर ओवर खत्म नहीं कर पाने की वजह से लगाया गया है। छक्का जड़ने में भारतीयों में सबसे आगे है धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स के धुरंधर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 12वें सीजन में धूम मचा रहे हैं। 37 साल के धोनी पूरे रंग में हों तो किसी भी टीम के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होता है। लगातार 4थे दिन घटे डीजल के दाम, पेट्रोल हुआ महंगा। पेट्रोल के भाव 72.86 और वहीं डीजल के भाव 66.14 रुपये प्रति लीटर पे है। सेंसेक्स पहली बार 39,000 के पार, निफ्टी 11,700 से ऊपर पहुंचा।